बहुत दिन बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं वीडियो मीन्स ब्लॉग शूट कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद। सो मैंने सोचा कि आज मैं मुझे पक्का ब्लॉग शूट करना है कि थोड़ा सा मेकअप ना वो मॉर्निंग वाला हुआ रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि यार क्या मैं बार बार मेकअप करूँगी, तो वही मेकअप से यहाँ भी काम चला लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी रील्स वीडियो शूट कर लेते हैं, तो बस थोड़ी सी रील वीडियो शूट कर रही थी मैं। और इस सुबह में रूम इतना गंदा था, इतना गंदा क्योंकि मैं क्लास जा रही होती हूँ और वहाँ जाते टाइम मैं मेकअप का सारा सामान पूरे बेड पर होता है। कभी इनकेस मैं मॉर्निंग का ब्लॉग शूट करूँगी फ़ोन साइड में लगा के, क्योंकि मैं बहुत लेट हो जाऊँगी, तो आप लोग देखना मैं किस तरीके से जाती हूँ। पूरा बेड फैला होता है एंड जब मैं रूम में आई तो वाओ मैं सरप्राइज होंगी, मेरा रूम इतना साफ है। मैं इमेजिन कर रही थी कि यार अब मुझे यहाँ से जाने के बाद अपना रूम ठीक ना करना पड़े, और सच में यार मम्मा लव रूम तो जैसे ही अंदर आई वैसे मेरा पूरा रूम क्लीन था और मुझे इतनी खुशी हुई, मैं आगे सीधे से बेड पे पड़ गई हूँ। गुड। सो गाइस मैंने खाना खा लिया है और बहुत तेज़ भूख लग रखी थी यार कसकी वाली, और मेकअप भी हटा लिया है फेस से। यार मुझे ना अपना फेस ऐसे ही अच्छा भी लगता है और ऐसे ही मैं फ्री भी फील करती हूँ। सो अभी मुझे अपना पूरा मेकअप अरेंज करना है, सो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपना मेकअप कैसे अरेंज कर करके अलग अलग बैग्स में रखती हूँ। हाँ मेरा एप्पल पड़ा हुआ है काफ़ी देर से, सो ये रहा एप्पल और इसको मैं खा लेती हूँ यार। सो हे गाइस मैं आ गई हूँ, तो वहाँ की मैंने सोचा मैं आ लेती हूँ क्योंकि यार वहाँ से क्लास से घर आना फिर मिट्टी मिट्टी से पूरी बॉडी में घूम जाती है, वैसे बहुत गर्मी हो गई। सो मैं मेकअप अरेंज करती हूँ अपना, तो मैंने सोचा कि मैं आपको कैसे शेयर कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो चलो गाइस मैं ये वाली लिपस्टिक लेकर आई थी, तो बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। मतलब जब मैंने इसको मॉर्निंग में लगाया ना लेकिन यार ये अजीब सी लग रही है, बट जब ये लिपस्टिक ड्राई हुई ना तो लिटरली बहुत ग्लॉसी लग गई थी। ऑफलाइन है और ये उसकी है मेकओवर की है ये, तो ये बहुत अच्छी है। और एक चीज़ मैं और लेकर आई थी, ये विटामिन सी का ग्लो सीरम, और ये उन्होंने मुझे मेरी स्किन पे ना अभी फिलहाल में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा टैनिंग हो रही है बिकॉज रोज का अप डाउन है मेरा। कहीं मैं चीज़ दिखती हूँ आप रोज़ का मेरा अप डाउन होने लगा है, वहाँ से यहाँ, तो थोड़ी बहुत टैनिंग तो स्किन पे हो ही जाती है। तो ये सीरम मैं फ़िलहाल इसको 3 डेज से अप्लाई कर रही हूँ फेस पे और ये बहुत अच्छी है। और मैं इसको कैसे अप्लाई करती हूँ, रात के टाइम ना जब फेस वगैरह वॉश, मेरी तो हैबिट है 3 बार नहाने की, तो मैं गर्मियों में 3 बार नहा लेती हूँ, तो मैं तो रात में नहा के सोती हूँ। तो नहाने के बाद ना अच्छे से फेस वॉश वगैरह करके और इसको एक ड्रॉप यहाँ, एक यहाँ करके मसाज करके, हर मसाज इन द सेंस ऐसे कुछ सेकेंड ऐसे मिक्स पूरे फेस में करके, और फिर मैं सो जाती हूँ। तो विटामिन सी का ये भी बहुत प्यारा सीरम है और इसका रेंज है ये भी मेरे हिसाब से 500 का है, और ये जो लिपस्टिक है ना ये भी 500 की है, ये लिपस्टिक भी 500 की है, तो ठीक है अच्छा है, नॉर्मल प्राइस है। ये विटामिन सी ग्लो सीरम मियोन का है, ये मियोन का, तो अगर सर्च करके देख लेना, अगर ये मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत अच्छा है। और बहुत से लोगों को पता है कि मैं सबसे ज़्यादा मैं न्यूड शेड लगाती हूँ, बट क्या है ना हमारी जो क्लासेज होती है, हमारी जो ग्रूमिंग क्लासेज होती है, वहाँ हमें रेड शेड बोला है लगाने के लिए, ये तो डार्क पिंक शेड बोला है लगाने के लिए, सो इस वजह से मुझे परचेज करना पड़ा। और रेड नेल पेंट भी मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैम हर मॉर्निंग हमारे नेल्स को चेक करती है, तो वहाँ भी अगर हमने रेड लिप शेड लगाया है तो सेम मैचिंग का हम नेल पेंट भी लगाएंगे रेड, और अगर हमने पिंक लिप शेड लगाया तो सेम मैचिंग का हम नेल पेंट भी लगाएंगे पिंक। सो इस वजह से मैं नेल पेंट भी लेकर आई थी क्योंकि मम्मी के पास वो रेड कलर था, बट मुझे तो डेली भी चाहिए, मुझे इवन मुझे यहाँ से कैरी करके भी लेके जाना होता है। पिंक कलर का तो ये रहा, पिंक कलर का नेल पेंट ये रहा, और ये बहुत अच्छा है, इसकी कोडिंग एक बार में हो जाती है, मुझे बार बार इसको रगड़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरा 250 का है नेल पेंट, और एक कोड लगाती हूँ, ये मेरे जो नेल्स हैं ना मेरे को एक सिर्फ एक सिंगल कोडिंग है सब पे, मैंने कोई डबल कोडिंग नहीं करा है, ये भी ऑफलाइन है तो फिर ही मैं बता देती हूँ तो अच्छा आएगा।
बैग देख रहे हो ना आप लोग, इसमें मैं मोस्टली अपनी लिपस्टिक्स और कुछ नेल पेंट्स होते हैं वो कैरी करती हूँ, बिकॉज इसमें वो इजीली आ जाता है, थोड़ा कम होता है ना इसलिए वो आ जाता है इसमें। और इस बैग में मैं जैसे कि आई शेडो वगैरह हो गए, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, और ब्लशर हो गया, हाइलाइटर हो गया, जिसका कुछ जो स्क्वायर शेप में होता है मोस्टली, उसको मैं इसमें कैरी करती हूँ फाउंडेशन, क्योंकि वो मेरे डेली मेकअप का होता है, तो मैं वो इसमें कैरी कर लेती हूँ जो मेरा डेली मेकअप वाला होता है। और अब ये जो बॉक्स है इसमें कुछ कुछ फेस पैक्स होते हैं मेरे, और क्या बोलते हैं वो स्क्रब हो गया, जो ट्यूब्स में होते हैं मोस्टली, जो ट्यूब्स क्रीम होती है वो मैं इसमें कैरी करती हूँ, लाइक सनस्क्रीन वगैरह जो भी ट्यूब वाला होता है, सीरम वगैरह, तो वो मैं इस वाले बैग में करती हूँ। और अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जितनी भी क्रीम्स होती हैं, सीरम होते हैं, जो भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं जो डेली यूज़ करने होते हैं मुझे, तो मैं इस बड़े वाले बैग में उसको रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे इजीली मिल जाता है। तो जैसे सनस्क्रीन हो गई, हेयर सीरम हो गया, गुलाब जल हो गया, सो ये चीज़ें मैं इसी में कैरी कर लेती हूँ। सारा मेकअप फिर से उस बैग में ही भर देती हूँ, और वैसे ही मैं अलमीरा में रखती हूँ, बट मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार फिर से सारा सामान बाहर निकालना होता है मुझे, डेली का होता है मेरा, फिर उसमें मुझे दोबारा अलमीरा में रखो फिर निकालो, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा। इसी वजह से मैं सारा का सारा उठा के उस बैग में डाल देती हूँ, अरेंज करके प्रॉपर बैग्स में रखती हूँ। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेकअप प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ रखा हुआ है, और मम्मी भी इसमें रख देती हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि मैं कौन से बैग में कैसे अरेंज करके रखती हूँ, तो मैं बहुत सिंपल सा रखती हूँ कि मुझे जो चीज़ जब चाहिए हो मुझे उस टाइम फटाफट से मिल जाए। और कुछ तो मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे यहाँ रखे हुए हैं, लाइक ये तो मेरे डेली वाले हैं, ऑयल हो गया, और ये हो गया, और रोज़ वाटर, रूम फ्रेशनर टूट गया है, ये मेरे परफ्यूम्स हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूँ वो मैं बाहर रख देती हूँ, ये मेरा फेस मास्क है, सॉरी फेस पर लगाने वाला है, और ये मेरा बॉडी स्क्रब है। तो जो ये जो मेरे बिल्कुल डेली डेली वाले होते हैं, बिल्कुल डेली डेली वाले, तो मैं इनको जस्ट ऊपर ही रखती हूँ, और जो परफ्यूम्स मैं यूज़ नहीं करती वो मैं अलमीरा के अंदर रखती हूँ, बट ये परफ्यूम्स, ये तीन चार परफ्यूम्स जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, तो इनको मैं ऊपर रख देती हूँ, बाकी सारे मेरे अलमीरा के अंदर रखे हुए हैं। और यही चीज़ें हैं बस, ऐसी ही मैं थोड़ा सा अरेंज करके रखती हूँ। तो आई होप आप इस ब्लॉग को इन्जॉय कर रहे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बताना कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये इस वीडियो अच्छी लगी है, आपको इन चीज़ों से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली मैं उसको शूट करूँगी। आप लोगों की बातें सराकों पे, ये ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। मैं चलती हूँ यहाँ से, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। सो बाय, टेक केयर, लव यू।